Akriti and you're watching me on Akriti Handa. Welcome or welcome back to my channel. So this is yet another day in my life. As you guys know that I'm not making a dedicated video from a really long time because of some reasons which I further gonna explain you guys in the video. And so let's begin with our day today. So I received a parcel from Amazon which I already opened and मेको already पता था कि इसमें क्या आने वाला है, so I was so excited. तो I just opened it up and also wanted to share with you guys also, like मेरे जैसी craving अगर किसी आप लोग में से भी किसी को हो रही हो तो आप भी ये मंगवा सकते हो. ये है गो देसी का देसी चाट. It is in the variant spicy mango I ordered. Actually these are the small sun-dried raw mango के chunks which is like combined with salt and some spices. Mainly it has chili powder and salt, so which is कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर खट्टा खाने का और मतलब थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आप भी ये मंगवा सकते हो. इट कॉस्ट मी अराउंड 250 का पैकेट एंड ये छोटे पैकेट्स में भी आते हैं. बड़ा पैकेट मंगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि छोटे पैकेट में बहुत छोटे छोटे पार्सल्स आते हैं एंड बड़ा पैकेट रहेगा तो आप एक ही बैग को खोलोगे एंड देन ये जिप लॉक के पैकेजिंग में आता है जो कि ख़राब जल्दी से नहीं होने वाला है. सो या दिस इज़ इट. एंड अभी मैं जाती हूँ और नहा के आ जाती हूँ, पहले फ्रेशन अप हो जाती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट पे आपके साथ मिलती हूँ. आई एम ऑल फ्रेशन अप नाउ. आई चेंज माई क्लोथ और मैंने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है एंड माई हेयर ऑल्सो सीम्स वेरी स्टिकी बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से अपना हेड वॉश नहीं किया है, लाइक अ वीक मोस्टली. एक वीक से मैंने अपना हेड वॉश नहीं किया है. एक्चुअली द थिंग इज मुझे दो तीन दिन पहले तक 105 फीवर था एंड माई डॉक्टर डिडंट अलाउ मी टू इवन लाइक गर्म पानी से भी सर धो लो या फिर अच्छे से बॉडी वॉश वगैरह लगा के एकदम रगड़ रगड़ के नहा लो. द थिंग्स आर नॉट अलाउड टू मी स्टिल. सो ये सब चीज़ें पॉसिबल अभी नहीं हो रही है. तो फॉर दैट आई एम टूडे आई एम यूजिंग अ ड्राई शैम्पू फ्रॉम ब्रिटिश. Recommend this dry shampoo to all the people who have black hair especially, क्योंकि ना ये दूसरे dry shampoo की तरह ना ऐसे white cast नहीं छोड़ता है, ये dark color में ही आता है तो उससे कोई मतलब ऐसा कुछ dandruff type का बाद में कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप dry shampoo use करोगे तो. So I am going to apply this. Do is to shake the bottle, spray and rub so that आपका जो स्कैल्प है यहाँ पे स्टिकी फील हो रहा है आपको वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर ले. वंस आई एम डन अप्लाइंग इट आई विल गोना कॉम्ब इट लाइक रेगुलरली एंड टाई इनटू अ पोनीटेल. आई यूजुअली लाइक टू टाई माय हेयर व्हेन आई एम एट होम. Also, whenever I am going out, most of the time I would like to tie my hair. So yeah, I am almost done. I mean that's it. मैं पोनी का हाइट ज़्यादा ऊपर नहीं रखती, एकदम हाई पोनी नहीं करती हूँ, एकदम मीडियम लेंथ पे रखती हूँ ताकि मेरा सर दर्द ना हो ज़्यादा. एंड मैं अभी फेस पे भी कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसे ही रहने देने वाली हूँ क्योंकि दोपहर को मैं स्किन केयर करूँगी एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग दिस अ फुल साइज ऑफ कोकोनट वाटर, देन आई विल हैव सम स्लाइसेस ऑफ पपाया. ब्रेकफास्ट नंबर टू विच इज स्लाइसेस ऑफ पपाया. Lunch. As I am finished with my lunch, so I am going to munch on this. As I mentioned earlier, so ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है. Wait, I'll show you guys. It look like this from inside. So as I mentioned in my video before,
दैट मैं दोपहर को स्किन केयर करने वाली हूँ, बट मैं दोपहर को सो गई थी. एज यू गाइस नो कि मैं अभी भी हाल फिलहाल में ही फीवर से थोड़ी बेटर हुई हूँ, तो मेरे बॉडी में अभी भी वीकनेस है, जिस वजह से मेरे को नींद आ जाती है दोपहर को आजकल. सो मैं थोड़ा नैप ले ली थी 1-2 घंटे का, एंड अभी शाम हो रही है एंड स्टिल आई हैव अ थिंग इन माई हेड की स्किन केयर तो करना ही है, बहुत टाइम हो गया क्योंकि. सो हियर आई हैव नयासा का रोज एंड लीची स्क्रब. इट इज़ अ जेल स्क्रब, एज यू गाइस कैन सी ये बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में है. तो फर्स्ट आई हैव टू वेट माई फेस, देन आई विल अप्लाई दिस थिंग. स्क्रब एंड माई स्किन ऑलरेडी फील वेरी सॉफ्ट एंड क्लीन. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फ्रूट फेस पैक विच इज़ बायो फ्रूट, बायोटिक ब्रांड का है ये. सो लेट्स अप्लाई दिस फर्स्ट. आई रियली लाइक द कलर ऑफ द फेस मास्क, आई मीन फेस पैक. It is very mauvey and pink sort of. The fragrance is very strong, I mean very chemical type of fragrance it has. I don't know, maybe सबको ऐसा ना लगे but I really like कि मेरे को ऐसा ही scent मतलब कुछ ज़्यादा ही strong लगता है इसका. Okay, so I think I have applied very evenly and completely सब तरफ लगा लिया मैंने पूरे फेस पे. So now I will let it dry for like 5-10 minutes, then I will wash it off with cold water and show you guys the result. क्योंकि I know कि कुछ major difference नहीं आने वाला है, but still it's completely dry now within 5-7 minutes, so I'm going to wipe it off. So I wiped it off completely. Now on top of that I am applying this mist which is from Kama Ayurveda. This is their pure lavender water. Actually this is the distilled water. So इसकी fragrance बहुत ही अच्छी है and इसका जो formulation है ना बनाने का वो बहुत ही अच्छा है. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट और रिफ्रेशिंग लगता है फेस पे. वैसे तो इट इज़ जस्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बट इसका जो फ्रेगनेंस है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे फेस के लिए अच्छा है. इफ़ यू गाइस लाइक टू यूज़ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर टोनर और रोज़ वाटर लगाने का अगर आपको अच्छा लगता है ना फेस पे, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कामा आयुर्वेदिक. ओके जस्ट इग्नोर. तो आप मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कामा आयुर्वेदा का कोई भी रोज़ वाटर या डिस्टिल्ड वाटर एक बार ट्राई करोगे तो आपको इसके पीछे की हाइप पता चल जाएगी कि यार सही में बहुत अच्छा लगता है. इसके ऊपर से मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ अभी फ़िलहाल, सीधा नाइट स्किन केयर ही करूँगी. वॉट टू मैंशन यू गाइज, सुबह के टाइम में भी दैट आई हैव अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ perfume or body mist just after my shower. So in the making of like मतलब मैं हमेशा ऐसा videos तो नहीं बनाती हूँ, but आज ऐसा video बना रही हूँ उस वजह से मैं भूल गई थी बताना. But हाँ अभी मैं शाम को भी कुछ body mist वगैरह ज़रूर apply करती हूँ. तो today I am applying this body shop का white musk. So now as I am already done with my skin care and mist laga ke kafi zyada refreshing bhi feel ho raha hai, so let's go out as it is already evening time. So thoda bahar chalte hain and bahar ja ke thoda baithte hain thar taki thodi fresh air lage.
डिनर करके आई हूँ और अपना फेस वॉश भी कर लियो। नाउ इट्स टाइम फॉर माई नाइट स्किन केयर एंड इट इज़ द सीरम आई एम यूजिंग। ये कभी कभी मैं सुबह में भी यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी रात को भी, और कभी कभी दोनों टाइम ही यूज़ कर लेती हूँ। बट आई डोंट यूज़ नाइट क्रीम क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा थिक लगता है मेरे को, तो वो मैं सिर्फ विंटर्स के टाइम में ही यूज़ करती हूँ। सो इट इज़ द बायोटिक का टी ट्री का बायोटिक का ट्री ट्री वाला सीरम विच आई एम गोइंग टू यूज़ एक ही पम्प और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, यू नो एकदम ज़रा सा रह गया है। आई एम गोइंग टू ऑर्डर आई थिंक मैं बायोटिक का सीरम ही ऑर्डर करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हो बायोटिक का, अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिला। सो मेरी नज़र में तो काफ़ी अच्छा डील है। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द आई क्रीम फ्रॉम वादी। ये मैं रिलीजियसली नहीं लगाती हूँ बट हाँ इसको लगाने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं बोल सकती हूँ कि हाँ आप अगर हर टाइम लगाओगे तो आपको डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी मतलब एकदम नोटिसेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मैं कभी कभी ही लगाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम लगाना। सो दीज आर सम ऑफ द कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स जो कि मैं मेरे को खानी पड़ रही है बिकॉज मेरे ब्लड में ऐसा रिजल्ट, ब्लड टेस्ट की रिजल्ट रिपोर्ट में ऐसा आया है कि मेरे प्लेटलेट्स जो है कम हो गए हैं एंड डॉक्टर का ऐसा मानना है कि मुझे शायद से आई मीन ऑफकोर्स शायद से क्या ऑफकोर्स डेंगू हो गया था। एंड सो अभी भी मेडिकेशन में ही चल रही हूँ। सो खाना खाने के पहले की खाना खाने के बाद के से बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है और यही एक रीज़न था जिसके वजह से मैं इतने टाइम तक कोई वीडियोस नहीं डाल रही थी और क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीक भी लगने लग गया था इस वजह से भी, और उससे पहले मेरे जो सिम्टम्स थे वो टाइफाइड के थे तो उस वजह से भी आई एम लाइक बुखार हो रहा है फिर छूट रहा है फिर हो रहा है फिर छूट रहा है काइंड ऑफ। बाद में आपको बाद में बताने वाली तो वही यही थी कि मुझे डेंगू हो गया था एंड उससे पहले टाइफाइड के सिम्टम्स थे जिसकी वजह से मेरा बुखार आना जाना हो रहा था एंड अभी भी मेरी बॉडी फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक फील कर पा रही हूँ मैं, तो जिस वजह से मैं मेरी वीडियोस एकदम टाइम पे नहीं आ पाती है। एंड ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं देखा जाए तो मेरी लाइफ में बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पाती है टाइम से, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम में एटलीस्ट बनी रहूँ, मतलब मेरा अपडेट्स एकदम प्रॉपर रहते हैं चाहे वो स्टोरी में हो चाहे वो पोस्ट में हो रील्स में हो हमेशा प्रॉपर रहते हैं। बट इस बीच में ना वो भी मेरे से मिस हो गया तो जिसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हुई है और आगे ट्राई करूँगी कि मैं अपने यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में अपडेटेड रहूँ। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग एंड सी यू गाइस सुपर सून विद अ न्यू वीडियो। और मैं ट्राई करूँगी कि ये व्लॉग भी मैं जल्दी से एडिट करके आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर पाऊँ। सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन कि आपको ये कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज। सो बाय, सी यू गाइस सुपर सून। सो आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट ऑन कि आप अपने कैट्स को वीडियो में दिखाओ कि वो लोग अभी कितने बड़े हो गए हैं, विच इज़ वेरी ट्रू कि हाँ बहुत टाइम से मैंने नहीं दिखाया। सो दिस इज क्रिस्टल एंड शी इज लाइक दिस बिग नाउ। एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस शैडो, वेट अ सेकंड, शैडो सुपर ह्यूज, काफी बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। देखो 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 कैसे बदमाशी करता है, देखो सब कोई देखो कैसे बदमाशी करता है ये बच्चा।